bike is almost 1800 cc. दिल्ली में इतने पहले ही मॉल्स हैं, मतलब यहाँ पे क्या मॉल देख रहे हैं? वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक्स अवेलेबल इन इंडिया, 1600 सीसी बाइक, टिपिकल ड्राइंग रूम बाइक, 2400 सीसी बाइक के अंदर इंजन। तो ये डैडी ऑफ बाइक दिखाता हूँ। आज तो सुबह सुबह शुरुआत ऐसी हुई है कि सीधा नहा धो के वॉक। तो ये रहा अपना सामान, एक बैग, वो दूसरा लैपटॉप बैग, बाकी का सामान चलो बाकी की स्टोरी गाड़ी के पास पहुंच के फिर बताता हूँ। वही ये खड़ी अपनी वायरस और हालत देखो जरा। ओह, मुझे नहीं पता ये कैमरे में कैसी नज़र आ रही है, पर रियलिटी में तो बहुत ही गंदी लग रही है। रात को हो गई यहाँ पे बारिश, और बारिश के चक्कर में ना ये इतनी गंदी लग रही है जिसकी हद नहीं। अब इसको साफ़ कैसे कराऊंगा ये पता नहीं है। अच्छा, वाइपर का पानी और ख़त्म हो रहा है, ये एक और प्रॉब्लम है। और वाइपर में क्या, अगर गंदा पानी डाल दो ना तो पाइप्स वगैरह सब चोक हो जाते हैं, इसलिए वाइपर में जब भी पानी डालो तो बिल्कुल क्लीन पानी डालो, जो एक्चुअल में पीने का पानी होता है। अगर आपने गलत पानी डाल दिया उसके अंदर तो 100% आपके वाइपर के जो पाइप्स हैं, जो टैंकी है, उसके अंदर काई जमने लग जाएगी एंड प्रॉब्लम आने लग जाएगी इन फ्यूचर। 3 hours later तो टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 12, और ये खड़ी अपनी वायरस। आज मैं भी कंफ्यूज हो गया। वैंगो पिज़्ज़ार्ट, KFC, कॉस्टा कैफ़े, और अपन आ गए हैं कॉफ़ी पीने, क्योंकि एक्चुअली नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, और नींद आनी चालू हो चुकी है। 12 बज गए हैं यहाँ पे सोलन पे, तो मैं एग्जैक्टली पहुँच गया हूँ सोलन, और यहाँ से भी मेरे को लगता है कि करीब करीब 3 घंटे और लगेंगे लुधियाना पहुँचने में, हो सकता है ज़्यादा भी लगेंगे। लेट्स सी लुधियाना कितनी देर में पहुँचते हैं। और लुधियाना में एक बहुत ही स्पेशल बाइक खड़ी है, वो बाइक दिखाऊँगा आज पक्का। Meanwhile, तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी आइटम जिसमें से हमें पसंद आ गया ये वाला कैरेट हनी केक। तो मेरी नज़र भी इसी पे थी, और बाई चांस की बात है कि इसकी नज़र भी इसी पे थी। दांत तो दिखा दे मोटी। दांत नहीं दिखाएगी। तो ये दांत की कहानी, दांत की कहानी है ना, दांत की कहानी ऐसे लगा देते हैं, दांत की कहानी। तो इसके इंस्टाग्राम आईडी पे जाना, नीचे लिंक आ गया, और जाके दांत की कहानी पूछो क्वेश्चन मार्क लगा के। Meanwhile, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हैं? दांत तो दिखा दे। दांत नहीं दिखाएगी अभी ये। तो एनीवेज कैसा है केक, ये तो बता दो, बोल तो लो। अच्छा, बोलना भी नहीं। वेरी यम। तो ये आ गई अपनी कॉफी, ये रहा केक, और ये रहे खाने वाले जो अपना दांत नहीं दिखा रहे, दांत छुपा के बैठे हुए हैं। और यहाँ से अपन चलते हैं सीधा लुधियाना, कॉफ़ी रास्ते में पी लेंगे, क्योंकि मैं और ज़्यादा लेट नहीं होना चाहता हूँ अभी। सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ ये चीज़ होती है जब अपन ने लिमिटर लगा रखा हो, जैसे लिमिटर ऑन है ना, अभी LIM लिखा हुआ ऊपर, लिमिटर लगा रखा है और 90 की स्पीड पर गाड़ी लगातार चल रही है, और रोड ऐसी है बिल्कुल खाली, ये देखो बिल्कुल खाली रोड, ये 90 का साइन आ गया, ये रहा ये गया, और चलाया जा रहा हूँ बस मैं 90 पे। सच बताऊँ इतना झप चुका हूँ ना, बोरिंग हो गया है, मतलब इतना सफ़र जिसकी हद नहीं है। मेरे को किलोमीटर दिखा रहा है सिर्फ 50, और किलोमीटर के हिसाब से टाइम दिखा रहा है 60 मिनट्स। इंडियन गवर्नमेंट क्या चाह रही है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, इतनी खाली रोड्स हैं, इतने बढ़िया आपने हाईवे बना दिए हैं, स्पीड लिमिट तो बढ़ा दो भाई, इतनी अच्छी गाड़ियाँ हैं हमारे पास में, क्या 90 पे चलाने के लिए गाड़ी ली है क्या? वैगनर ले लो, इससे बढ़िया तो है ना, वैगनर भी चल जाती है इतने पे, तो मेरी i10 चल जाती थी आराम से इतने पे, है ना। ये तो कुछ बोलेगी नहीं, अच्छा आज तो बोलेगी भी नहीं, दांत भी दिखाएगी। अब तो बोल लो, कैमरा ऑफ है। नहीं, क्या नहीं बोलना नहीं है या नहीं? एनीवेज पहुंचते हैं भी लुधियाना फटाफट से, मतलब मेरे को खुद को लग गया, मैंने कहा यार दिखाऊं मैं कितना इरिटेट हो रहा हूँ, 90 पे बस गाड़ी चले जा रही है, कोई लेना देना नहीं है कुछ भी किसी भी चीज का, बोरिंग, सुपर बोरिंग है ये तो। A few moments later, finally burger आ गया KFC का, मैं भूल गया था दिखाना। खाओ ना मैं खाने ही वाला था ऐसे ऐसे करके। I love lettuce. Health conscious बंदा हूँ मैं, लेटस पहले खाता हूँ। देखा अब बोलो, मुंह खोल के खाना। दांत वाली मिस्ट्री हैशटैग लगाते हैं ना इसके इंस्टा पे जाके। तो भाई कार पार्क हो गई है अपनी, और ये रहा NS
1. Oh my god, just a beautiful place, amazing जगह. यहाँ पे खड़ी है एक स्ट्रीट लाइट, क्या लग रही है यार, इसका कलर ही बड़ा ब्यूटीफुल है. और मुझे तो ये बाइक देख के हमेशा मज़ा सा आ जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक है ना, मतलब देख के ये एक मतलब ऐसा लगता है बस बैठो और निकल जाओ टूर वूर पे, है ना, राइट. अभी ये हुआ ही करेगी, तो एक काम करते हैं इस बाइक पे लेके चलते हैं इनको एक बार. एंड इंट्रूडर ये पहले भी मेरे व्लॉग में आ चुकी है, आपने देखी हुई होगी. देन 959 वाइट कलर विद रेड एलॉयज, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ड्राइंग रूम बाइक, टिपिकल ड्राइंग रूम बाइक. यहाँ पे खड़ी है निंजा 1000, ऑलरेडी मैं एक बार आवाज़ सुना चुका हूँ. और यहाँ पे खड़ी है ट्रायम्फ की रॉकेट 3. तो ये बाइक बड़ी स्पेशल है, मतलब 2400 cc इंजन होता है ये, मतलब 2400 cc बाइक के अंदर इंजन, खतरनाक, मतलब बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है. आवाज़ भी बहुत डिफरेंट है, एक बार इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा व्लॉग के अंदर. देन यहाँ पे खड़ी है एक बिल्कुल डैडी ऑफ बाइक्स, तो ये डैडी ऑफ बाइक्स दिखाता हूँ, 1600 cc बाइक. उफ, तो इस पर अगर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो ना तो ही बता देना, बना रहा हूँ मैं, अगर अच्छे कमेंट्स आ गए तो डाल दूंगा. पर आज जो बाइक मुझे यहाँ पे खींच के लेके आई है ना, वो अलग है. मतलब शिमला से मैं यहाँ तक एक बाइक के लिए आ गया हूँ, वो बाइक बताऊँ, दिखाऊँ एक बार, मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक्स अवेलेबल इन इंडिया. और हार्ले की मेरे ख्याल से सबसे महंगी बाइक यही होती है, और सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि मतलब जितने भी जो लग्जरी में आती है ना, वो यही वाली बाइक आती है. तो दैट इज़ हार्ले डेविडसन, आगे बताऊँ नाम, चलो पहले बाइक ही देख लो. This bike is almost 1800 cc and amazing bike. Almost अगर cost की बात करूँ तो 55 से 60 लाख रुपए के आसपास. And बहुत ही प्यारा कलर, ये complete ये ऊपर से golden, यहाँ पे ये पूरा different design, ये देखो ये यहाँ पे नजर आ रहा होगा, बहुत ही different and बहुत ही ultimate bike. Bike के अंदर music system लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये complete ये रहा music system यहाँ पे लगा हुआ है. And पीछे यहाँ पे pinniers, रेयर एक पूरा बॉक्स विद ये दो एंटीना, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. पीछे से लाइट्स ही लाइट्स बहुत गजब की लग रही हैं. एंड यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ से ऐसे एग्जॉस्ट आ रहे हैं, ड्यूल साइड एग्जॉस्ट. फुट पैक्स देखो कितने बड़े हैं इसके, मतलब आराम से पैर रख सकते हो. सीट्स का कम्फर्ट, ये बिल्कुल सोफ़ा ही है भाई, आधा सोफ़ा, पीछे वाला पूरा सोफ़ा. हाँ जी, सोफे पर बैठोगे, बैठ सकते हो. चलो, तो ये इसका कॉकपिट देखो, कॉकपिट कितना ज़बरदस्त है, ऐसा लग रहा है एक छोटा सा एरोप्लेन या छोटे से एरोप्लेन जैसा पूरा कॉकपिट. यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, बाकी सारे बटन ही बटन, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कौन सा किस चीज़ का बटन है, बिकॉज मैंने आज तक ये बाइक चलाई है सिर्फ एक बार, और जिसको भी मैं अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाया था, बट वो बाइक एक्चुअली चला के मज़ा आया था. बट इसको चला के मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा. क्या प्लान है, चलाएं? चलो चलते हैं इसकी राइड पे. तो देखो ये पंजाब का मेरा ट्रिप था ना, ये बिल्कुल अनसर्टन ट्रिप था, तो मैं एक्चुअली ऐसे ही आया हूँ, गियर वेयर नहीं है, हेलमेट भी बाई चांस की बात है कि ये रहा हेलमेट पे बस इसलिए था क्योंकि लास्ट मैं एक बाइक छोड़ने गया था NS1 पे और तब से गाड़ी में पड़ा हुआ था, तो आज ऐसे ही राइड कर रहा हूँ, बट आराम से ही चलाने वाले. तो ये खड़ी CVO देख लो सामने, और इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि बैटरी चार्ज नहीं है, बैटरी हमने चार्जिंग पे लगा दी है, देखते हैं कितनी देर में चार्ज होती है तब तक. पर इसी की एक सब्सटीट्यूट बाइक, सब्सटीट्यूट मतलब ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन, थोड़ा बहुत फ़र्क है. यहाँ पे खड़ी हैं दो, एक ये रही और एक ये ब्लैक वाली. तो ब्लैक वाली का मैंने सुना है कि इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही अमेजिंग है, इसमें यहाँ पे ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ये स्पीकर्स लगे हुए हैं, एंड यहाँ पे भी स्पीकर्स लगे हुए हैं. अरे वाह, क्या बात है, स्पीकर ही स्पीकर चारों तरफ बाइक में. फाइनली गाइस, काफ़ी सारी फोटोज़ खिंचवाने के बाद, मौसम तो ख़राब था ही, अभी भी ख़राब है, आपको देख ही रहे, ये देखो ये पूरे पत्ते पत्ते उड़ रहे हैं. ये गाड़ी अभी भी धुलवाई थी मैंने, और धोने के बाद उसकी कैसी आदत हो गई है, अलग ही हो गई बिल्कुल. तो ये है एक्चुअली CVO, अराउंड 50-55 लाख रुपीज़ की बाइक, और ऑनेस्टली बताऊँ
तो सुपर ब्यूटी। बैटरी अभी भी डिस्चार्ज है इसकी, क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई थी पूरे सरावा नगर, राइट तो सरावा नगर इज़ द प्लेस जहाँ पे NS1 है, और यहाँ पे लाइट चली गई थी तो इसकी बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाई। बट मैं एक्चुअली इसको बहुत अच्छे से कवर करना चाहता था, बट ड्यू टू वेदर कंडीशंस कवर तो नहीं कर पाएंगे। पर एक काम करते हैं, इस बाइक से हटके एक और बाइक दिखा देता हूँ जो शायद आप सब लोगों को मज़ा आ जाएगा देख के। तो हेयर इज द की ऑफ द बाइक। बाइक की की देख के काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि बाइक कौन सी है। ये रही बाइक भाई, BMW S1000 RR Pro। तो प्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन एंड ज़बरदस्त बाइक। एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये लो भी मीटर दिखाओ यहाँ से आप। तो ये देख लो मीटर S1000 RR का, ये हो गया ऑन। ओए होए 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 होए, तो स्टार्ट करें, ये लो जी स्टार्ट कर दी। कान फाड़ने की मशीन बैकफायर कैसे लगी मुझे जरूर बताना। यहाँ पे आके मोटो व्लॉग तो नहीं कर पाया मैं, पर आवाज़ सुन के मज़ा आ गया फाइनली। कान तो अभी भी काम नहीं कर रहे, पर दिस वॉज एपिक, बिलीव मी एपिक। लास्ट टाइम मैंने सुनाई थी ZX10R के बैकफायर्स दिखाए थे एंड बैकफायर सुनाई थी, इस बार मैंने ये सुना दिया। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, इस बार मोटो व्लॉग नहीं कर पाया, रियली दुख हो रहा है, बट अगर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। 3 hours later भाई फाइनली मैं आ गया हूँ मॉडल टाउन, एंड NS1 से निकल के मॉडल टाउन आ गए। क्यों आ गए वो रीज़न अभी बताता हूँ। तो रास्ते में मुझे मिल गई ये टर्बो फैमिली के मेंबर, नाम बताओ। हेलो सर, आई एम ऋतिक फ्रॉम लुधियाना। ऋतिक या ऋतिक वर्मा? ऋतिक वर्मा। और मैंने सर की सारी वीडियोस देख रखी है, लाइक फॉलो सब कुछ कर रखा है। बस बस कंट्रोल, चलो फटाफट से। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे ये इसके लिए। तो ये है फ्रूट ट्री, ये इनके हाथ में भी आ गई, इनके हाथ में भी आ गई। दोनों ने स्मॉल स्मॉल लिए, इनको डर लग रहा था पता नहीं अच्छी लगेगी या नहीं। स्मॉल दिलवाई और बोला कि यही मिल सकती है। ये रहा भाई रावत आइसक्रीम मॉडल टाउन में। देखो लुधियाना हो ना तो ये जरूर ट्राई करना, रिकमेंडेड है, मजाक नहीं कर रहा, 100% ट्राई करना। चलो संदीप सिंह जी, फ्रूट क्रीम इधर दी बेस्ट ही होती है ना? बहुत बढ़िया भाई, इस तो इधर नहीं मिलती ना। बिल्कुल बिल्कुल आ जाना बेटा, दस दे दौड़ गया आजा आजा। तो ये वो बंदा है जो एक्चुअल में मुझे, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मुझे इधर उधर घुमा रहा है, और इसकी बाइक की साउंड इतनी अल्टीमेट है, इतनी अल्टीमेट है, मतलब मैंने ऐसी बाइक की साउंड कभी नहीं सुनी। एनीवेज फ्रूट क्रीम कैसी लगी? सही सही बता दे, सच सही बता दे, बिल्कुल सही है। देखो भाई फ्रूट क्रीम बहुत अच्छी है। झूठ, रियली वेरी गुड। कौन सी आइसक्रीम शॉप का नाम लेता था? रियली वेरी गुड, रियली वेरी गुड। अच्छा रियली रियली, आपको कैसी लगी? सही गुड, दांत तो दिखा दे। तो भाई ऑनेस्टली बताऊँ मुझे आके तो बहुत अच्छी लगी है, और मैं इसको पैक कराने वाला हूँ काफ़ी सारी, मतलब शायद आधा एक किलो, और घर पे भी लेके चलते हैं, मम्मी को भी खिलाएंगे। ये मैंने ले लिया मम्मी के लिए फ्रूट क्रीम, हाफ के जी ले लिए, काफ़ी वैसे तीन जनों के लिए उसने बताया। हाँ जी शर्म करो थोड़ी, अभी इतना सारा तो खा चुकी हो, उसमें भी अपना हिस्सा लाया, ये सिर्फ मेरी और मम्मी की है, कुच्चू की थोड़ी। कुच्चू खाएगा? और ये लुधियाना के सब चीज़ें जानते हुए मुझे बता रहे थे कि चलो मॉल लेके चलता हूँ मैं, बहुत सारे मॉल्स हैं यहाँ पे। अभी मुझे ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली में इतने पहले ही मॉल्स हैं, मतलब यहाँ पे क्या मॉल देखने आया हूँ मैं? नहीं देखो मैं मॉल का नहीं लेके जा रहा, बट मैं वधिया जगह लेके जाऊँगा, तो ही बस चलो ना। वधिया वधिया कह के ही बस किधर नहीं लेके गया, फ्रूट क्रीम मैं खवाई है। चलो आइसक्रीम स्टूडियो तो वधिया, तुम फ्रूट क्रीम खवाई या नहीं खवाई? खाई या ना? बिल्कुल एग्री टोटली, दिल्ली वालों को ज़्यादा पता है भाई। तो भाई बस मैं अब यहाँ से लुधियाना से निकलने ही वाला था, और सरप्राइजिंगली हाँ जी जादू हो गया। तो एक काम करते हैं थोड़ा फोटो सेशन कराते हैं, एंड उसके बाद यहाँ से सीधा शिमला। तो आज जैसे ही हम लुधियाना से चले ना, तो सबसे पहली चीज हुई कि खाना क्या है रास्ते में, और मेरे साथ में जो एक
एक सज्जन है ना, सज्जन क्या बोलूं मैं उनके बारे में, क्या मतलब, उनको हमेशा ऐसा होता है कि नहीं हम वहां से खाएंगे। तो वहां से जब हम चले तो प्लान ये हुआ कि सवॉय ग्रीन नाम का एक होटल है वहां पे खाएंगे, जो टेक्निकली कहां पे आता है, जाबली। जाबली। और जैसे ही वहां पे पहुंचे ना, तो वहां पे ये पता लगा कि नहीं सर ये तो बंद हो गया। बंद मतलब कि इन द सेंस कि ये 10:50 पे तो पूरा क्लोज हो जाता है। उसके बाद फिर हुआ कि आगे चल के कुछ ढाबे आते हैं वहां पे खाएंगे। जी कहां के ढाबे थे वो जिनको भी हम क्रॉस करके आए, धर्मपुर। धर्मपुर, तो लास्ट में हम पहुंचे धर्मपुर। धर्मपुर के ढाबे सारे बंद पड़े थे, ठीक है, कुछ एक बार खुले हुए थे जहाँ पे ऑफ कोर्स मैं बैठ के नहीं खाना चाहूंगा। और टाइम हो रहा है बहुत ही अच्छा खासा, 11:18 भी देख लो यहाँ पे दिख जाएगा, 11:18। और अब खाना मुझे लग नहीं रहा कि मिलने वाला है, और मैंने इसको ये भी बोला था, मैंने कहा भूखे तो नहीं रह जाएंगे कहीं पे। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आज हमें जो भी खाना मिलने वाला है वो पता नहीं कैसा मिलने वाला है। चलो कोई नहीं, देखते कब तक खाना नहीं मिलता और कब तक पहुंचते हैं। A few moments later. Finally मिला ये पंजाबी, मॉडर्न पंजाबी तड़का, एंड हमने मंगा ली एक थाली। थाली तो मॉडर्न ही लगती है, बाकी पता नहीं। खा के बताओ। मैं फर्स्ट ट्राई कर रहा हूँ दाल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दाल जहाँ की अच्छी होती है ना, स्पेशली मखनी, वहाँ का सब कुछ बढ़िया ही होता है, क्योंकि दाल मखनी बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बाकी सब चीज़ों में क्या है, काफ़ी हद तक मसाले वसालों से ना सब सेट हो जाता है। पप्पू पास हो गया।